अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैज़ अली अपने बनी टिम्मी के साथ एक बार फिर से आपका हनी मेरा बनी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज आपको एक खुशखबरी देनी थी, एक नहीं बल्कि दो खुशखबरी देनी थी। पहली खुशखबरी ये है कि कल है हमारी टिम्मी का बर्थडे। टिम्मी आप जानते ही हैं, बेबी बनी अब बड़ा हो चुका है, 29 डेज़ का हो चुका है और कल है इसकी मंथली बर्थडे। तो कल इसका सेलिब्रेशन तो होना ही था, लेकिन आज एक चीज़ और ख़ास हुई कि इसकी जो मम्मा थी यानी कि बनी, उसने एक बार फिर से बेबीज़ दिए हैं। तो चार बेबीज़ दिए हैं, चलिए अभी दिखाते हैं उनको। वैसे सच बात बताऊं तो मैं इस बार नहीं चाहता था कि बेबी बनीज आए। क्यों नहीं चाहता था ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बनी रही। थैंक यू, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे चारों बच्चे टिम्मी के साथ हैं और इसकी मम्मा अभी अपने को ग्रूम कर रही है, इस वजह से उसको अलग रखा हुआ है। इनमें से एक बच्चा ये देखिए वाइट, एक बच्चा ये वाइट, ये दोनों बच्चे अपनी माँ पर गए हैं यानी हमारी बनी पर, और दो बच्चे जो हैं वो जैसे कि हमारी टिम्मी थी उसी की तरह वो भी ब्लैक एंड वाइट है, अपने फादर के ऊपर गए हैं। ये अब देखते हैं अपने ब्लैक वाले बेबीज़ को, टिम्मी थोड़ा साइड हो। ये देखिए, ये हैं हमारे दोनों ब्लैक वाले बच्चे। दरअसल इसमें ब्लैक, वाइट और ग्रे तीन कलर के कॉम्बिनेशन हैं। आई थिंक ये जब बड़े होंगे तो इनमें से शायद एक ग्रे भी हो सकता है, अब ये तो थोड़ा बाद में ही पता चलेगा। लेकिन देखिए बहुत कम ही डिफरेंस है, ये बिल्कुल अपने फादर के ही। आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ भी फीमेल रैबिट ने बच्चे दिए हैं तो कम से कम मेल फीमेल को एक महीना तो सेपरेट कर दें, ताकि वो दोबारा से मीटिंग ना कर पाएँ। क्योंकि रैबिट की किस्म में ऐसा होता है कि एक बार अगर फीमेल रैबिट बच्चे दे दे तो उसके 24 घंटे के बाद वो दोबारा से बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है, और ऐसा होने पर जब वो दोबारा बच्चे देती है एक महीने बाद, जैसे कि मेरे घर पर हुआ, तो वो फिर से एक बच्चे को दूध पिला के हटती है, फिर दूसरे बच्चे को पिलाना पड़ता है, तो इसमें फीमेल रैबिट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो कमज़ोर हो जाती है, और अगर इनकी प्रॉपर केयर ना करें तो ये मर भी सकती हैं कभी कभी। फ़िलहाल हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो इनका ख़ास ख्याल रखना है और हम रखेंगे। तो ये बात बताना ज़रूरी थी फ्रेंड्स, आप भी इस बात को ध्यान में रख लें और अपने रैबिट की अच्छे से केयर करें। अगर आपके यहाँ भी दे दिए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। मिलेंगे दोस्तों अगली किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।